Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ टू द पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सिर्फ उसी फैक्ट को देखते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर किडनी के ऊपर एक टू द पॉइंट का टॉपिक आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने किडनी, जो जहाँ से कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो किडनी से रिलेटेड वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं आज हम लोग कि ये जो किडनी है, किडनी से कैसे कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टू द पॉइंट को। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं किडनी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि हमारे शरीर में किडनी जो होती है कितनी होती है, देयर इज टू किडनी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कितने किडनी होती है, दो किडनी होती है। यहाँ पर देखिए, ये किडनी एक इधर है, एक इधर है, दो किडनी होती है, जिससे कि ये यूरेटर्स वगैरह निकला हुआ है, देख रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि जिसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, जनरली जो हमारे शरीर में काम करता है वो एक ही किडनी वर्क करता है ना। जो है तो दो होता तो दो किडनी है, लेकिन सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर एक ही किडनी वर्क करता है। दोनों किडनी तभी काम करता है जब आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, या फिर आप जब अल्कोहल का सेवन करते हैं, तब जाकर हमारा दोनों किडनी काम करता है। क्लियर है पॉइंट? तो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो याद रखेंगे कि जो हमारा किडनी है वो किससे बना हुआ होता है। किडनी इज मेडअप ऑफ नेफ्रॉन सेल, जिसे हम लोग हिंदी में वृक्कानु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? वृक्कानु। ये नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन सेल होते हैं दोस्तों? तो लगभग 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं एक किडनी के अंदर। यानी कि दोनों किडनी को मिलाकर कितनी नेफ्रॉन सेल होती हैं, ये 15 लाख, दोनों किडनी को मिलाकर 30 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये नेफ्रॉन सेल का, ये जो है ये नेफ्रॉन सेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो कैप्स्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस कैप्स्यूल टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्स्यूल। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी टीनी टीनी संरचनाएं, ये जो देख रहे हैं ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट की बात करते हैं। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है हमारे किडनी की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो हमारी किडनी बनी हुई है, हमारी जो किडनी की संरचना है वो किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से। और ये जो नेफ्रॉन देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप याद रखेंगे दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन सेल किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नेफ्रॉन सेल ग्लोमेरुलस और किससे मिलकर बना हुआ है, बोमेन कैप्स्यूल से मिलकर बना हुआ है। यह जो कैप्स्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्स्यूल। और इसके अंदर यह जो हिस्सा देख रहे हैं, दिस पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब हमारा किडनी, आप लोगों को पता है कि किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, किडनी में जो ब्लड जाता है ना दोस्तों, वो सबसे पहले इसी ग्लोमेरुलस में फिल होता है। और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिर जो किडनी के अंदर जो भी हमारे ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, उन सभी इंप्योरिटीज को फिल्टर कर यूरिन का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, नेफ्रॉन में भी जो बेसिक फंक्शनल, जो मुख्य रूप से काम करता है, जो मेन रूप से हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, वो कौन होता है? वो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट के बात करते हैं। कई बार पूछा जाता है किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे, ये सिंपल सा टर्म है, किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी, बिकॉज किडनी इज मेडअप ऑफ नेफ्रॉन सेल, क्योंकि किडनी नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट को देखते हैं। तो याद रखेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया,
ठीक है, अदर वॉस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि किडनी जो है हमारे ब्लड से यूरिया, उसके बाद अन्य अपशिष्ट लवण और किसको, अतिरिक्त पानी को क्या करता है, फिल्टर करता है और उसे मूत्र के रूप में क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ये देखिए यहाँ पर जो इमेज है, यहाँ पर देखिए कैसे हमारा किडनी काम करता है। ये किडनी के अंदर ये जो नेफ्रोन है उसमें ब्लड जाता है और वो ब्लड को फिल्टर करके इसका निर्माण करता है दोस्तों, वो यूरिन का निर्माण करता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें ये पूरा हमारा डायग्राम बना हुआ है कि किडनी में क्या क्या है, तो आप इसमें ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अगले फैक्ट की तरफ। जब अगले फैक्ट की बात करते हैं तो याद रखेंगे जो हमारे शरीर का सबसे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी यानी वृक्क। कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन गुर्दा या किडनी है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे जो हमारा किडनी है वो पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, 180 लीटर ब्लड को पूरे एक दिन में हमारा किडनी फिल्टर करता है, ठीक है ना। जबकि आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर। तो किडनी एक ही ब्लड को लगभग 30-40 बार क्या करता है दोस्तों, फिल्टर करता है। और हमारे किडनी में जो ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड इस एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा आता है, यानी जिसे हम लोग अभिवाही धमनी कहते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है दोस्तों वो इस एफरेंट आर्टेरियोल्स यानी अपवाही धमनी के द्वारा इधर से इम्प्योर ब्लड आता है और इधर से प्योर ब्लड हमारे किडनी से बाहर निकलता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो कैप्स्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस कैप्स्यूल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, वोमन कैप्स्यूल कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक? तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो अगला फैक्ट है याद रखेंगे, वेट ऑफ वन किडनी इज अबाउट 125 टू 170 ग्राम, यानी कि एक किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है दोस्तों, 125 से 170 ग्राम होता है। यानी कि दोनों किडनी का अगर आपसे वेट पूछा जाए तो ये होता है 250 टू 350, यानी कि 250 से कितना 350 ग्राम के आसपास हमारे दोनों किडनी का वजन होता है। और किडनी का जो दोस्तों शेप होता है ना वो कैसा होता है, बीन के शेप का होता है, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो याद रखें कि एक किडनी का वेट कितना होता है, 125 से 170 ग्राम। जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे फैक्ट किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए छात्र देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे किडनी एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है ना। हमारा जो किडनी है टोटल 24 घंटे में 1.5 लीटर यूरिन बनाता है, और यूरिन का जो फिल्टरेशन होता है, यूरिन का जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो चार प्रक्रिया के द्वारा। एक तो होता है जिसे लोग क्या कहते हैं, फिल्टरेशन, यानी कि इसमें ब्लड के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उसे क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है। दूसरा प्रक्रिया होता है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं, इस फिल्ट्रेशन को हिंदी में निस्यंदन कहते हैं। जो दूसरा प्रक्रिया होता है दोस्तों उसे रीअब्सॉर्प्शन या पुनरावशोषण कहते हैं, यानी कि अगर किडनी किसी भी जरूरी पदार्थ को ब्लड से फिल्टर कर लेता है तो उसे फिर वो क्या करता है, ब्लड में मिलाता है, और उस प्रक्रिया को हम लोग रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। तीसरा क्या होता है, सिक्रेशन, यानी कि उसे सिक्रेट कर वो कहाँ, ब्लेडर में जमा करता है, और ब्लेडर से फिर वो क्या होता है, एक्सक्रेट होता है, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ आता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे किडनी एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं, याद रखेंगे किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन सा बना होता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है किडनी के ऊपर उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और यहीं से आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो हमारा लंग्स होता है, हमारा फेफड़ा होता है, उसके ऊपर प्लूवेरा मेम्ब्रेन होता है, और हमारे हार्ट के ऊपर कौन सा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, ये भी याद रखेंगे। जल्दी मैं इन सभी के ऊपर भी अभी टू द पॉइंट में, मतलब लंग्स के ऊपर भी, फिर हार्ट के ऊपर, फिर और भी जो लीवर, इन सभी के ऊपर भी मैं टू द पॉइंट में लाने वाला हूँ। उसके लिए भी स्पेशल उससे रिलेटेड सवालों को भी मैं इसमें लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। तो याद रखेंगे किडनी का जो शेप होता है दोस्तों वो किस शेप का होता है, ये बीन है, और इसी शेप का देख रहे हैं हमारा किडनी है, बीन शेप का ही हमारा किडनी होता है। और याद रखेंगे ये कहाँ पर स्थित होता है, ये हमारे कहाँ पर स्थित होता है, हमारे वेस्ट के जस्ट ऊपर ये किडनी हमारा स्थित
स्थित होता है, यानी कि हमारे जो कमर के जस्ट ऊपर ये किडनी स्थित होता है। क्लियर है ना पॉइंट? तो चलते हैं हम लोग इसके आगे। अगले कभी कभी शेप पूछ लिया जाता है किडनी का शेप कैसा होता है, दोस्तों याद रखेंगे इट इज ऑफ बीन शेप। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। याद रखेंगे द प्रोसीड्यूर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी कि जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर जो ब्लड फिल्टर होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? डायलिसिस के द्वारा होता है। ये डायलिसिस के भी दो प्रकार होते हैं, हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। लेकिन आपको सिंपल याद रखना है डायलिसिस, इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें इम्प्योर ब्लड को बॉडी से एक तरफ से निकालते रहते हैं और उसे एक सॉल्यूशन से पास करते हैं, और उसके बाद प्योर ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर फिर से डालते जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होता है यूरिन वो हमारा जमा होता रहता है। क्लियर पॉइंट? तो डायलिसिस कई बार पूछा जाता है, डायलिसिस वर्ड का यूज किस अंग से संबंधित है? तो डायलिसिस का यूज किसमें होता है दोस्तों? ब्लड के फिल्ट्रेशन यानी किडनी से संबंधित है। और याद रखेंगे जो डायलिसिस होता है ये जनरली डिपेंड करता है कि आप कैसा भोजन करते हैं, किस प्रकार के खाने को खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डायलिसिस कितने दिनों में, किसी का 10 दिन में होता है, किसी का 20 दिन में, किसी का महीने में, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? और चलते हैं दोस्तों हम लोग इसके अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का जो लेवल होता है ना, सामान्य स्तर जो होता है वो होता है 20 mg to 40 mg per 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में, या फिर कई बार यहां पर DL भी लिखा होता है, डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब होता है दोस्तों वही 100 ml। तो 100 ml ब्लड में कितना होता है हमारा यूरिया? 20 to 40 mg होता है। और ये यूरिया का सूत्र है जिसे हम लोग NH2CONH2 भी कहते हैं, है ना, NH2CONH2। कई बार यूरिया का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ दोस्तों। अगला फैक्ट याद रखेंगे, अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की अधिकता हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है यूरिमिया। यूरिमिया नामक बीमारी में क्या होता है दोस्तों? हमारे ब्लड के अंदर यूरिया क्या हो जाती है? यूरिया की अधिकता हो जाती है। क्लियर पॉइंट? तो यह भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है एक्सेस ऑफ यूरिया कौन सी बीमारी को उत्पन्न करता है, तो दैट इज यूरिमिया। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला फैक्ट है हमारा, कई बार पूछा जाता है यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे यूरिन का जो पीएच मान होता है दोस्तों, दैट इज होता है 6। यानी कि हमारा जो यूरिन है उसका नेचर कैसा होता है दोस्तों? दैट इज एसिटिक, यानी कि अम्लीय नेचर का होता है। क्योंकि अगर किसी का पीएच मान 0 से 7 होता है तो उसे एसिड कहते हैं, और 7 से 14 होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। और हमारे यूरिन में जो स्मेल होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन नामक पदार्थ के कारण हमारे यूरिन में क्या होता है? स्मेल होता है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इसका, और पीएच स्केल को किसने डेवलप किया था आप लोग कमेंट में बताएंगे, हु डेवलप्ड पीएच स्केल, ये किसने डेवलप किया था आप लोग कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों मजा आ रहा है, वीडियो को इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो अगला फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यानी जो यूरिन होता है, यूरिन का जो येलो कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। और इस यूरोक्रोम का निर्माण दोस्तों कैसे होता है? ये आरबीसी के नष्ट होने से या आरबीसी के डेथ होने से। आपको ये तो पता है दोस्तों कि आरबीसी का जो डेथ होता है, आरबीसी जो डेथ होता है वो कहां पर? स्प्लीन, या जिसे हम लोग प्लीहा या जिसे हम लोग तिल्ली कहते हैं, यहीं पर आरबीसी का डेथ होता है। और इसी स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रगाह, या फिर इसे ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे जो हमारा यूरिन है उसका येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है, और इसका निर्माण किसके? हेमोग्लोबिन या आरबीसी के नष्ट होने से होता है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट याद रखेंगे, द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी ना भी होना, जैसे किडनी, एक किडनी काम कर रहा है, एक किडनी खराब हो जाएगा तो दूसरे किडनी पर व्यक्ति जिंदा रह सकता है, और जब दोनों किडनी खराब हो जाता है तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके लिए उसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, उसके लिए उसको ब्लड का या तो क्या कराना पड़ेगा, उसे डायलिसिस कराना पड़ेगा, या फिर परमानेंट। अब क्या है कि डायलिसिस आपको हर महीने कराना है, खर्चा भी उसमें काफी ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है ना, जब किडनी आपका फेल हो जाए तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी और व्यक्ति का किडनी किसी दूसरे व्यक्ति में क्या करना, लगा देना। इसे ही हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं।
क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहला जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो किसने किया था, डॉक्टर जोसेफ ई मरे। किसने किया था, डॉक्टर जोसेफ ई मरे ने बर्मिंगम में किया था। कब किया था ये याद रखेंगे, दिसंबर 1954 में। कई बार पूछा जाता है, यही वो व्यक्ति हैं ठीक है ना जिन्होंने क्या किया था, डॉक्टर जोसेफ ई मरे जिन्होंने सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था। और ये वो दृश्य है, देखिए जब पहला किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, ये पूरा टीम है डॉक्टर का जिन्होंने कि किडनी ट्रांसप्लांट को, पहले किडनी ट्रांसप्लांट को परफॉर्म किया था। तो ये नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर जोसेफ ई मरे। और ये ईयर भी याद रखेंगे, दिसंबर 1954। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्लियर है पॉइंट। और हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में पता है आप लोगों को, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, कहां पर, साउथ अफ्रीका में किया था, है ना। जबकि इंडिया में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा। डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा कहां पर, एम्स नई दिल्ली में किया गया था, 3 अगस्त 1994 को। ये सारा चीज आपको पता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे किडनी में जो स्टोन देख रहे हैं, ये स्टोन जो होता है ना किडनी में, ये स्टोन किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण होता है। और ये कैल्शियम ऑक्सैलेट बनता कैसे है दोस्तों, तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब कैल्शियम मिलता है, यानी कि मिल्क आप खाते हैं, पालक वगैरह, सबसे ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड दोस्तों याद रखेंगे ये पालक में पाया जाता है, टमाटर में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद जैसे ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल्स जिसमें कि छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें एक एसिड मिलता है जिसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। और ये ऑक्सैलिक एसिड और कैल्शियम मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। और इसी के कारण हमारे किडनी में क्या होता है दोस्तों, स्टोन होता है, याद रखेंगे। और ऑक्सैलिक एसिड का यूज याद रखना है दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड जो इसका यूज होता है कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने में, कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने में ऑक्सैलिक एसिड का यूज होता है। और ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज्यादा मिलता है किसमें दोस्तों, पालक में मिलता है, आप ये भी याद रखेंगे। अगले फैक्ट की तरफ दोस्तों बात करते हैं हम लोग, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम जो होता है वो किडनी से क्या दूर करने में मदद करता है, किडनी से जो स्टोन है उसको रिमूव करने में क्या करता है, मदद करता है। ये देखिए मैग्नीशियम साइट्रेट है ना लिखा हुआ, ये मैग्नीशियम साइट्रेट जो है यही क्या करता है, किडनी को रिमूव करने में, किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसे रिमूव करने में मदद करता है, क्लियर है पॉइंट। तो कई बार सिंपल सा पूछ देते हैं मैग्नीशियम, कई बार पूरा नाम पूछ देंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीशियम साइट्रेट ये मदद करता है किडनी से स्टोन को रिमूव करने में। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, और आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम जो है ये पत्तियों के क्लोरोफिल में पाया जाता है, है ना। चलिए तो अगला पॉइंट याद रखें, कई बार पूछा जाता है कि यूरिन में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, याद रखेंगे यूरिन में विटामिन सी मौजूद होता है, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, ये तीनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो यहां पर जो विटामिन सी है दोस्तों वो हमारे बॉडी से किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, तो वो निकल जाता है किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकलता है जब एक्सेस होता है। और विटामिन सी के बारे में आपको पता है इसका केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, क्लियर है ना पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों इसके अगले फैक्ट की तरफ। तो अगला फैक्ट याद रखेंगे आप कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि रिलीज होता है हमारे शरीर के एक ग्रंथि से जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि, या जिसे हम लोग मिनी ब्रेन भी कहते हैं। इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग दोस्तों वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, जो जिसे क्या वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करता है दोस्तों, रेगुलेट करता है। और याद रखेंगे जब एडीएच हार्मोन कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाता है दोस्तों, तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। यह डायबिटीज इंसिपिडस नामक जो बीमारी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं डायबिटीज इंसिपिडस, यह बीमारी जो होती है दोस्तों याद रखेंगे इसमें ज्यादा यूरिन बनना शुरू हो जाता है। और यह बीमारी किसके कारण होती है, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होती है। जबकि डायबिटीज मेलाइटस नामक जो बीमारी होती है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है, जिसका सिक्रेशन कहां से होता है, हमारे अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका के द्वारा। और याद रखेंगे इंसुलिन हार्मोन की खोज एफ बेंटिंग ने करी थी। इंसुलिन हार्मोन में जस्ता नामक तत्व भी मिलता है, यह भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। बहुत सारे ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, जो वर्ल्ड किडनी डे है, ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है कब, तो सेकंड थर्सडे मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया
मनाया जाता है 2020 में, ये कब मनाया जाएगा दोस्तों, 12 मार्च को मनाया जाएगा, और इस वर्ष 2019 में ये 14 मार्च को मनाया गया था। तो कई बार पूछा जाता है वर्ल्ड किडनी डे कब मनाते हैं, एक तो पार्टिकुलर डेट पूछ लेंगे, कई बार क्या होता है ये पूछते हैं कि कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे सेकेंड थर्सडे इन मार्च, मार्च के सेकेंड थर्सडे में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट की बात करते हैं। याद रखेंगे किडनी जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, ब्लेडर यानी जिसे हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, वो किससे कनेक्टेड होता है ब्लेडर से, तो टू ट्यूब्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरेटर्स। ये जो देख रहे हैं ये रास्ता यहां से कि हमारा किडनी इस ब्लेडर यानी मूत्राशय से कनेक्टेड है, उसे क्या कहा जाता है, यूरेटर्स कहते हैं, या जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं इसे, मूत्रवाहिनी। और इस मूत्रवाहिनी से ये मूत्र हमारा, यूरिन हमारा कहां पर जमा होता है, इस ब्लेडर यानी मूत्राशय में, और फिर यहां से इस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या जिसे दोस्तों हम लोग मूत्र द्वार कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र द्वार, यहां इस मूत्र द्वार के द्वारा हमारा जो यूरिन है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यूरेटर्स क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ब्लेडर क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ, अगले फैक्ट की बात करते हैं। याद रखेंगे कई बार किडनी की लंबाई पूछ दी जाती है कि किडनी की लंबाई कितनी होती है, याद रखेंगे दोस्तों जो किडनी का लेंथ होता है वो कितना होता है, 4.5 इंच होता है किडनी का लेंथ, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10-13 सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखेंगे, लेकिन जनरली इंच में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे किडनी का लेंथ होता है कितना, 4.5 इंच। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आज के एपिसोड में, आज के टू द पॉइंट के एपिसोड में जो हमारे इंपॉर्टेंट किडनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और दोस्तों किडनी से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं उस सारे सवालों को मैंने इस टू द पॉइंट के एपिसोड में शामिल किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और दोस्तों ये एपिसोड टू द पॉइंट का आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों हमारा आपसे हमेशा आग्रह रहता है, रिक्वेस्ट रहता है कि आप हमें ये भी बताइए कि टू द पॉइंट का अगला एपिसोड किस टॉपिक पर बनाया जाए, आपके सजेशन का हमें इंतजार रहता है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, उस टॉपिक से रिलेटेड नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग टू द पॉइंट के इस सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।